योगेश। पिछले कुछ समय से हमने असेंबली में प्रोग्रामिंग की है और हमने बहुत कुछ कंसेप्ट सीखे। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं किए और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा मत करिए। वो जाइए वो असेंबली के प्रोग्राम उनको करिए और समझिए, वो जो असाइनमेंट दिए हैं उनको करिए और समझिए। कोई डाउट हो तो मेल कीजिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू, अवर फुल टीम विल बी सपोर्टिंग यू। वो प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसमें कई कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अब जब हम यहाँ सी में करेंगे तो मैं वो कंसेप्ट में आपको बिल्कुल उन पर बात नहीं करने वाला हूँ, वो हम डायरेक्टली रेफरेंस वहाँ से यूज़ करेंगे। तो अगर आप किसी अंडर इम्प्रेशन में हैं या आपके किसी सीनियर ने बोल रखा है आपसे कि उसका ज़रूरत नहीं है, वो पुरानी लैंग्वेज है, तो आपका ये गलत फहमी है। कृपया करके उसको रिवाइज उसको करिए, उसके असाइनमेंट करिए और उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना इम्पोर्टेंस आप किसी और लैंग्वेज को या सी को दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं, ये हम अब हम सी में प्रोग्राम लिखेंगे, आगे आने वाले सारे प्रोग्राम हमारे सी में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो का एजेंडा है हम सी में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और हम अपना पहला प्रोग्राम सी में लिखेंगे। चलिए तो चालू करते हैं डायरेक्टली। ये देखिए प्रोजेक्ट ओपन किया, न्यू प्रोजेक्ट, एंड हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं कि फर्स्ट सी प्रोग्राम है मेरा और मैं माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करता हूँ 89S52 और नो। आपको अगर कोई समझ में नहीं आए कौन सा कंट्रोलर यूज़ करना है तो आप 89S52 ब्लाइंडली यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट इंटायर दिस कोर्स। ओके, इंटायर दिस कोर्स कभी भी आपको डाउट हो कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है आप 89S52 आप ब्लाइंडली यूज़ कर सकते हैं। चलिए एड न्यू आइटम। एड न्यू आइटम में अभी तक हमने ASM फाइल एड की, अब हम सी फाइल एड करेंगे। आप अपने फाइल का नाम दे दीजिए, फर्स्ट सी जो भी नाम आपको देना है वो दे दीजिए। अभी हमें सी में लिखना है, बहुत ही सिंपल है, सी में लिखना हैश इंक्लूड REG51.h। ये हेडर फाइल है माइक्रो कंट्रोलर की, ये कर लीजिए आप बस। फिर क्या है, void main एंड void। चलिए हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो int a,b,c semicolon एंड a=5, b=6 एंड c=a+b सेमीकॉलन, डन, दैट्स ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फर्स्ट सी प्रोग्राम कंप्लीट, लेट्स बिल्ड इट। वाओ, नो एरर, लेट्स गो इन डीबग मोड। सी व्हेन यू, अच्छा जब आप देखिए आपका प्रोग्राम कम बिल्ड हो गया है, अब हमें इसको रन करना है। इसको रन करने के लिए आप रन में जाइए, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है कील ने कि आपके ये जो आपका ना यहाँ पे कुछ सोर्स कोड नहीं जनरेट किया है, इसने डायरेक्टली सीधे सीधे इसने आंसर जनरेट कर दिया। तो आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये एक्चुअली आपके सी कंपाइलर ने आपके प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर दिया। आप बोलेंगे ये क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ऑप्टिमाइज अगर नहीं करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो शुरू में अपन इसको बोल देते हैं कि हमें ऑप्टिमाइज नहीं करना है। तो ऑप्टिमाइज नहीं करना है मतलब क्या है, आप यहाँ जाइए, ये सेटिंग में जाइए और C51 में जाइए और देखिए अभी जो आपका ऑप्टिमाइजेशन लेवल है वो 8 पर है, तो आप इसको कम करके 0 पे कर दीजिए। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे जाके C51 में ये जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल है इसको 0 कर दीजिए और आप कोड कंपाइल करिए। जब आपने अभी कोड कंपाइल किया, अभी आप डीबग में जाएंगे, अभी जब आप डीबग में जाएंगे तो अभी देखिए आपको यहाँ पे सारा का सारा कोड दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रे लाइन है ये कोड बता रही है आपको। ठीक है, अब चलिए इसको रन करते हैं। मैंने देखिए इसको रन किया तो ए में 5 आ गया, एक बार और रन किया तो 6 आ गया, उसको जोड़ दिया तो देखिए 11 आ गया। बहुत ही बढ़िया, देखिए आपका प्रोग्राम रेडी है और पहला प्रोग्राम रन भी हो गया। मैं इससे आगे नहीं चलाऊँगा क्योंकि जो एम्बेडेड एप्लीकेशन होता है ना उसमें हमेशा एक इनफाइनाइट लूप होना चाहिए, इसमें इनफाइनाइट लूप मिसिंग है, तो मैं इसको बस यहीं तक चलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना कॉन्ग्रेचुलेशन, पहला सी प्रोग्राम होता है। हम जो अगला प्रोग्राम देखेंगे, अगले प्रोग्राम में हम अपने पोर्ट को टॉगल करेंगे, हम हार्डवेयर उसमें यूज़ करेंगे।
हम डिले फंक्शन भी यूज़ करेंगे, और डिले फंक्शन के अलावा हम कि हमारे इस एम फाइव बोर्ड अपने एम फाइव बोर्ड के अंदर ये 8 जनरल पर्पस LED यहाँ पे हैं, तो हम उनको भी टॉगल करेंगे अगले प्रोग्राम में। सो दो तीन प्रोग्राम एक साथ करेंगे अगले वीडियो में। सो धन्यवाद आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। कुछ गलती हमसे हुई हो तो आप बिल्कुल लिखिए हमें, हम सुधारना चाहेंगे। अगर आपको ये बोर्ड M5 बोर्ड पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और आप M5 बोर्ड पे ऑर्डर M5 बोर्ड पे वो कर सकते हैं। जब आप ये M5 बोर्ड ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट मिलते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो मिलते हैं, तो वो वीडियो आपको नॉर्मली नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको वो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एंड उनके सोर्स कोड और उनके वीडियोज़ भी मिलेंगे आपको। तो वो मुझे पूरा विश्वास है वो हाई लेवल के प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपके करियर में, और वो प्रोजेक्ट अगर आप अपने रिज्यूमे में लिखते हैं तो उसकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद, थैंक यू।